श्री राम। मैं नहीं, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं विश्व हिंदू सेवा संघ के पूरे देश में, हम लोग जाते हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ जिनको वस्तुएं, कुछ लोगों को देते हैं, कुछ लोगों को मिठाइयाँ देते हैं, कपड़े देते हैं। इस तरीके से शुरुआत करते हैं ताकि पूरे साल हम इसी तरीके से लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे इस रूप में बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। उसी कार्य को करते हुए मैं अपना जन्मदिन मनाता हूं। आप बीजेपी से जुड़े हुए और जिस तरह से पीएम मोदी की बात आती है, सेवा बहुत ज़्यादा ही नजर आता है, हर किसी की सेवा के लिए हमेशा ही वो तत्पर होते हैं। तो क्या आप उन्हीं की राह पर चलते हुए आपका जो भी कार्य होता है उस कार्य को करते हैं? मेरी बात ही नहीं, मैं देश के हर नागरिक को चाहूँगा कि वो इसी तरीके से कार्य करे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की मदद करे, ताकि हमारा देश स्वर्णिम भारत बन सके। तो आज जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से ऑफिस में देख रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा है और साथ में महाराज जी भी आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, किस तरह देखते हैं आप इस लोगों के प्यार, सभी के प्यार को? जब मैं लोगों का प्यार देखता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है और एक गर्व का अनुभव होता है कि ईश्वर ने मुझे इस योग बनाया कि सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे आज इस तरीके से मान सम्मान दे रहे हैं। तो जब बर्थडे की बात आती है, जन्मदिन पे लोग दोस्तों के साथ बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं, लेकिन आप अपने जन्मदिन को बड़ी सादगी के साथ मनाते हैं। तो ये शुरू से ही होता आ रहा है या फिर जब से पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को आपने ज्वाइन किया तब से आप इस सादगी के साथ जन्मदिन को मनाते हैं? नहीं, हकीकत ये है कि मैं कभी पहले जन्मदिन मनाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे जन्म के बारे में खुद ही पता नहीं कि मेरी जन्मतिथि क्या है। मेरे कागजों को देख करके मेरे कार्यकर्ताओं ने इसको मनाना चालू किया और मुझे लगा कि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे एक कार्य करना चाहिए। तो सादगी का जीवन ही सब हमारा सनातन धर्म का मार्गदर्शन यही रहा है कि हम सादगी से जीवन जिए, ताकि हम किसी के छल और बेईमानी ना करें, क्योंकि जब हम सादगी से जिएंगे तो हमारी ज़रूरतें कम रहेंगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सादगीपन से रहा जा सके उतना रहे। महाराज जी, आज आप यहाँ ऑफिस पे पहुँचे हैं जिससे जन्मदिन पे, क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए आप हमेशा दिन रात और कार्य करते रहें। मैं तो कहूँगा कि आपकी जो गति होनी चाहिए, वो कहते हैं ना कि ऐसी गति हो जैसे शेर की भांति, जो गति होती है शेर की तरह, और आप तो हैं ही वैसे ही। आप तो पूरे योद्धा हैं और योद्धा की भांति आप सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। मैं इनको जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए ऐसे ही समर्पित रहें और राष्ट्र की नए निर्माण के लिए महाराष्ट्र को भी एक नई दिशा दें, भारत के अंदर भी एक दिशा ऐसी दें, ताकि आज आपने देखा, खुद आप बता रही हैं, मैं भी देखता रहता हूँ कि जिस प्रकार आप गरीबों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, और आपने कहा जन्मदिन को उन्हें ही नहीं पता। और सच में मैं कहता हूँ इनका जन्मदिन आज नहीं, इनका जन्मदिन प्रति एक दिन है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जो व्यक्ति हर रोज़ अच्छा काम करता है उसका हर रोज़ जन्मदिन होता है। तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि एक शेर की तरह है, एक योद्धा की तरह, तो कहाँ आपको वो नजर आया, वो शेर और योद्धा की आज उनके साथ हमें नजर? आप देखिए जिस प्रकार वीरता का काम कौन करता है। आप इतने हर बम्बई जैसे शहर से आप अयोध्या में गए, संतों से मिले, हमसे मुलाकात किया, तो ये काम कौन करेगा? और किसके लिए? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ और सिंह की दहाड़ हो। ऐसे ही आप बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ रविंद्र जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी लोगों का आज जो हार्दिक आभार करता हूँ कि आज वो लोग आज टाइम निकाल के मुंबई जैसे शहर में मुझे बधाई देने आए, और मैं बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं, मेरे साथ के लोग या मेरे मित्र लोग, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। संतों की माला जब पहन लेंगे तो इनके अंदर तो और ऊर्जा बढ़ जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माता दी, नमस्ते। मैं संजय गिरी, भजन गायक, टी सीरीज में गाता हूँ, और सावन के महीने में सबको लख लख बधाइयाँ। कांवड़ चल रही है इस वक्त, मेरे नए नए भजन भी आए हुए हैं। संजय गिरी भजन लिखो तो YouTube पे आता है। और आज मेरे परम मित्र रविंद्र द्विवेदी जी का बहुत ही जन्मदिन है, तो इनको मैं शुभकामनाएँ देने के लिए आया हूँ। एक बार शुभकामनाएँ इनको देता हूँ कि ऐसे ही माता रानी इनको आगे बढ़ाती रहे और बढ़ा रही है, ऐसे ही सब चलता रहे। तो इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देने के लिए। अपने गीतों के माध्यम से बधाई। जी जी, मेरा अभी एक नया एल्बम आया है, चलो कवरिया। YouTube पे लिखेंगे चलो कवरिया संजय गिरी तो आता है, तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। ओ चलो चलो रे कवरिया शिव के धाम, भोले को मनाएंगे। चलो चलो रे कवरिया शिव के धाम, भोले को मनाएंगे। भरो भरो रे गंगा जल शिव के नाम, भोले पे चढ़ाएंगे।